विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स मैं आपके सामने रखूंगा माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष जी हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो। ऐसी नहीं थी माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा